हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम एक ब्यूटीफुल शोल्डर बैग बनाना सीखेंगे। बहुत इजी है इस बैग को बनाना। तो ये हमने छोटा बनाया है, बड़ा कैसे बनाना है इसी वीडियो में बताऊंगी आपको, बड़ा भी कैसे बनाना है। तो आप किसी भी साइज़ का बनाएंगे, बहुत ही ब्यूटीफुल लुक आएगा। अगर आप कॉलेज गोइंग गर्ल हैं आप इसको यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही स्टाइलिश लुक आएगा। ये देखिए, मार्केट पर्पज़ से भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा। एंड आप इस शोल्डर बैग को पर्ल के साथ भी डेकोरेट कर सकते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल लुक आएगा। एंड अगर आपको लगे कि बैग वूल का है, सॉफ्ट है, तो आप इन साइड से बैग में कपड़ा भी ब्लैक या वाइट कलर का लगा सकते हैं। कपड़ा लगाने के लिए हमें, जैसे ये बैग है, इसे थोड़ा सा छोटा कट करेंगे, लॉन्ग साइड से यहाँ से कट करेंगे। उसके बाद हम सुई धागे से सिल देंगे तो बैग आपका बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। ये देखिए, आज हम इसी बैग को बनाना सीखेंगे। तो ये बैग हमने टू कलर से बनाया है, ब्लैक एंड वाइट। आप किसी भी कलर का बनाएंगे, बहुत ही ब्यूटीफुल लुक आएगा। टू प्लाई की वूल का यूज़ किया है, आप कॉटन वूल से भी बना सकते हैं। एंड हुक नंबर हमने यूज़ किया है 4.07 नंबर का कॉशेट हुक है। आप 3.5 कॉशेट हुक का भी यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास वूल थिन है तो आप वूल को डबल करके भी बना सकते हैं, कॉटन वूल का भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल लुक आएगा। एंड कॉटन थ्रेड से भी बना सकते हैं, मैक्रम थ्रेड से भी बना सकते हैं, कैसे भी बनाएं, बहुत ही ब्यूटीफुल लुक आएगा। तो आज हम इसी बैग को बनाना सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे एंड वीडियो को फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करेंगे। एंड कमेंट करके बताएगा कि मेरा बनाया हुआ शोल्डर बैग आपको कैसा लगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बैग को बनाना। इसके लिए हमने सबसे पहले वाइट कलर से बनाएंगे, तो हम नॉट लगाएंगे, स्लिप नॉट लगाएंगे सबसे पहले। हम चैन लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो ऐसे हमें 40 चैन बनाना है, 40 40। ये देखिए, हमने 40 चैन ली। 40 चैन बनाने के बाद 2 चैन एक्स्ट्रा लेंगे, 1 एंड 2। तो टोटल हमने 42 चैन बनाई। तो ये बैग हमने 42 चैन बनाने के बाद बनाया है। 4 के मल्टीपल से हमें चैन बनानी है, कितना भी बड़ा बनाएंगे। इससे छोटा बनाना है तो आप 34 चैन लेंगे, इससे छोटा बनेगा। तो 40 चैन हमने ली है तो हमारे 10 ब्लॉक बने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। 10 ब्लॉक बने हैं, 34 लेंगे चैन तो आपके 8 ब्लॉक बनेंगे। ऐसे ही हमें 4 के मल्टीपल से हमें बनाना है। तो आपको कितना भी बड़ा बनाना है आप बनाएं। जब आप बड़ा बैग बनाएंगे तो आपका यहाँ से जो हमने जो स्टेप बनाई है आपको, तो ये हमने, ये छोटा बैग है तो हमने 2 ब्लॉक से यहाँ से स्टेप स्टार्ट की है बनाना। बट आप बड़ा बनाएंगे तो आपको 4 ब्लॉक से स्टेप बनाना स्टार्ट करना है। बस यहीं पर ध्यान देना है, अगर आपको ऐसी स्टेप बनाना तो बना सकते हैं, बट आप बड़े, जब बड़ा बैग बनाएंगे तो आपको 1, 2, 3 एंड 4 ब्लॉक से आपको स्टेप बनानी है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बनाना। तो ये हमने 40 चैन बनाई। ये देखिए, 40 चैन लेने के बाद 1, 2 जो 2 चैन एक्स्ट्रा ली थी, 1 एंड 2 चैन इसकी करके थर्ड से बनाना स्टार्ट करेंगे। डबल क्रोशेट 1, 2, 3 एंड 4। ये हमने 4 डबल क्रोशेट बनाए। ये देखिए, 4 डबल क्रोशेट है। कलर चेंज करेंगे, पहले नॉट लगाएंगे सबसे पहले वूल में, यहाँ से कलर चेंज करेंगे। ये 2 लूप है, यहीं से कलर चेंज करेंगे। तो
ये वाइट कलर का जो ये वूल है इसको भी साथ में लेते हुए बनाएंगे। थोड़ा सा टाइट खींचेंगे यहाँ से। ये फोर डबल क्रोशेट हुक कंप्लीट हुई हमारी। ये देखिए टू लूप से हमने दूसरा कलर निकाला, यहाँ से कलर चेंज किया हमने, डबल क्रोशेट वन, टू, थ्री, फोर, टू लूप है, कलर चेंज करेंगे वाइट कलर। तो ये हमने फोर के मल्टीपल से बनाया, तो वन टू थ्री फोर, फोर फोर डबल क्रोशेट बनानी है। कलर चेंज किया हमने, यहाँ से लेंगे डबल क्रोशेट वन, वाइट कलर से बनाएंगे, वन टू थ्री तो इतना ध्यान में रखना है, ये साथ में लेते हुए ही बनाना है। ये थोड़ा सा टाइट करेंगे यहाँ से, तो ये लूज चैन होगी, यहाँ पे हमारी टाइट हो जाएगी। थोड़ा सा ऐसे खींचेंगे, वन टू थ्री फोर, टू लूप है, कलर चेंज करेंगे, थोड़ा सा टाइट करेंगे, टू लूप, कलर चेंज किया हमने। नेक्स्ट डबल क्रोशेट बनाएंगे, वन टू थ्री एंड फोर, टू लूप है, कलर चेंज करेंगे। देखिए बैक साइड से भी बिल्कुल क्लीन है एंड ये राइट साइड, वन टू थ्री एंड फोर, फिर कलर चेंज करेंगे। तो ऐसे हमें बनाते हुए यहाँ तक आना है, कंप्लीट करना है। फिर देखिए बना के कंप्लीट किया, लास्ट में वन टू थ्री डबल क्रोशेट, लास्ट के फोर। चैन टू वर्क को टर्न किया, नेक्स्ट ये फर्स्ट डबल क्रोशेट है, नेक्स्ट स्टिच डबल क्रोशेट वन, बट ये जो वाइट वूल है साथ में लेके ही बनाएंगे। ये देखो वन, तो वन टू डबल क्रोशेट, थ्री एंड फोर, टू लूप है, कलर चेंज करें। तो अगर टू टू रो की बनानी है, टू ये देखिए वन एंड टू रो है, कलर चेंज किया हमने, थोड़ा सा ब्लैक कलर का जो धागा है इसको ऐसे खींचे के क्लीन हो जाएगा, यहाँ से टाइट हो जाएगा, बिल्कुल एक सा आएगा, टू थ्री एंड फोर, टू लूप, कलर चेंज। डबल क्रोशेट बनाएंगे, तो ऐसे ही हमें ये बनाते जाना है, पूरा कंप्लीट करेंगे बनाते हुए। फिर देखिए बना के कंप्लीट किया, बैक साइड से भी ये देखिए बैक साइड से बिल्कुल क्लीन है। तो थोड़ा हमें ध्यान रखना है, साथ में ही वो लेके चलना है ब्लैक एंड वाइट। देखिए ये हमने लास्ट में कलर चेंज किया, यहाँ से बनाएंगे डबल क्रोशेट वन टू थ्री, यहाँ पे फोर,
कलर चेंज करेंगे। चैन टू वर्क को टर्न किया, वर्क को टर्न किया, ये साथ में लेते हुए ही बनाएंगे। अब ये व्हाइट है तो यहाँ से ब्लैक स्टार्ट होगा हमारा, ठीक है। डबल क्रोशेट ये वन है, नेक्स्ट स्टिच डबल क्रोशेट टू, बहुत इजी है बनाना। थ्री फोर टू लूप कलर चेंज कर। अब ब्लैक है व्हाइट वुल से बनाएंगे, तो टू टू रो की हमें ब्लॉक बनाने हैं। व्हाइट से स्टार्ट किया बनाना, डबल क्रोशेट वन टू थ्री फोर टू लूप है कलर चेंज। नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे व्हाइट कलर में, डबल क्रोशेट वन टू थ्री एंड फोर कलर चेंज। ये देखिए ऐसे बनाते जाना है, ब्लैक में वाइट, वाइट कलर, वाइट में ब्लैक कलर, टू रो के बाद चेंज करना है। ये बना के पहले कंप्लीट करेंगे, फिर देखिए रो बना के कंप्लीट की, लास्ट में वन टू थ्री डबल क्रोशेट, लास्ट में ये फोर। तभी वाइट कलर से ही बनाएंगे, तो ये वन रो है वाइट कलर की, नेक्स्ट रो व्हाइट कलर की ही बनाएंगे। चैन टू वर्क को टर्न करेंगे, तो ये देखिए इसी साइड से हमारा टर्न होगा, ये ऐसे वर्क को टर्न किया, व्हाइट कलर से ही बनाएंगे, ब्लैक वूल को साथ में लेते हुए बनाएंगे। डबल क्रोशेट वन टू यहाँ से टू थ्री एंड फोर टू लू कलर चेंज। वन टू थ्री टू थ्री एंड फोर। ये बैक साइड ही रहेगा हमारा, वो कलर चेंज करेंगे, तो ऐसे हमें बनाते जाना है। देखिए तो ये पूरा कंप्लीट करेंगे, तो ये टू रो के बाद फिर कलर चेंज करेंगे। ये ब्लैक है व्हाइट से बनाएंगे, तो ऐसे ही हमें बनाते जाना है। जितनी रो हमें बनानी है हम बना के पहले कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए हमने टोटल सिक्स ब्लॉक बना के कम्प्लीट किए, वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स। तो रो बनी हमारी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन एंड ट्वेल्व, टोटल ट्वेल्व रो बना के हमने कंप्लीट किया। लास्ट में डबल क्रोशेट बनाएंगे,
यहाँ से हमने वाइट कलर लिया। चैन टू वर्क को टर्न करेंगे, ये हमारा फर्स्ट डबल क्रोशेट है। नेक्स्ट में डबल क्रोशेट लेंगे, वन वन टू थ्री एंड फोर, ब्लैक लेंगे, ब्लैक कलर से बनाएंगे, टू लूप्स निकालेंगे, यहाँ से व्हाइट कलर लेंगे। वन एंड टू, यहाँ से स्टेप के लिए हमें टू ब्लॉक लेने हैं, वन टू। ब्लैक से ही बनाएंगे अभी, वन टू। अब यहाँ से हमें, अभी हमारे वन टू थ्री एंड फोर हैं डबल क्रोशेट, अब हमें थ्री बनाना, वन डिक्रीज होगी यहाँ से। तो यहाँ से स्टेप को शेप में लाना है, सेम स्टिच में डबल क्रोशेट बनाएंगे, टू चेन सेम स्टिच में डबल क्रोशेट लेंगे, वाइट वूल को साथ में लेते हुए चलेंगे, बट टू लूप से निकालेंगे। नेक्स्ट डबल क्रोशेट लेंगे, बट टू लूप से निकालेंगे, थ्री लूप है एक साथ निकालेंगे। यहाँ पे हमारा एक कम हुआ, डबल क्रोशेट टू एंड थ्री, कलर चेंज करेंगे वाइट कलर से। यहाँ पे अब हमने ये देखिए शेप में आएगा, डबल वन टू एंड थ्री, लास्ट में फोर। कलर चेंज, वर्क को टर्न करेंगे, चैन टू, व्हाइट कलर का थ्रेड साथ में लेते हुए चलेंगे, चैन टू, डबल क्रोशेट वन टू थ्री फोर, कलर चेंज करेंगे, अब यहाँ पे वन टू थ्री डबल क्रोशेट है तो टू बनाएंगे, वन डबल क्रोशेट लेंगे, टू लूप से निकालेंगे, नेक्स्ट में डबल क्रोशेट लेंगे, टू लूप से निकालेंगे, थ्री लूप एक साथ निकालेंगे। तो यहाँ पे हमने वन टू डबल क्रोशेट है, सॉरी
के राइट है, ये थ्री लूप से निकाले, चैन टू वर्क को टर्न किया, वन टू डबल क्रोशेट है, डबल क्रोशेट वन, कलर चेंज, डबल क्रोशेट वन, टू, थ्री, एंड फोर। लास्ट की डबल क्रोशेट को ध्यान में रखना है, मिस नहीं करना है। फोर, कलर चेंज, ये देखिए ट्रायंगल शेप में आ गया, यहाँ से हमारी स्टेप शेप में आती गई। अब हमारे वन टू थ्री फोर एंड फाइव डबल क्रोशेट है, चैन टू वर्क को टर्न करेंगे, डबल क्रोशेट लेंगे, ब्लैक कलर का जो वूल है साथ में लेते हुए चलेंगे, डबल क्रोशेट वन, टू, वन टू थ्री। अब यहाँ पे हमें बनाने हैं डबल क्रोशेट वन, इसको भी साथ में लेते हुए चलेंगे, थ्री लूप है एक साथ निकालेंगे, चैन टू वर्क को टर्न किया, चैन टू डबल क्रोशेट वन, नेक्स्ट में टू, थ्री एंड अब यहाँ से वूल को कट कर देंगे। तो ये देखिए हमने बनाई, तो यहाँ पे हमारी स्ट्रिप शेप में आ गई, वन वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स, सिक्स रो बना के कंप्लीट किया। वूल को कट कर देंगे, वन साइड कंप्लीट किया, इस साइड भी बनाएंगे। देखिए वूल कट करके हमने नॉट लगाए, तो ये हमने अपनी स्टेप कंप्लीट की। अब यहाँ से इस साइड से बनाया था हमने, अब इसको दूसरी स्टेप हम इस साइड से बनाएंगे। तो ये हमारा ब्लैक कलर है, तो यहाँ से वाइट कलर से स्टार्ट करेंगे बनाना, बनाया हमने नॉट लगाई, यहाँ से ज्वाइन करेंगे, ब्लैक है यहाँ से, डबल क्रोशेट वन, टू, थ्री, कलर चेंज करेंगे,
यहाँ से कलर चेंज करेंगे। डबल क्रोशेट 1, टू, थ्री, एंड 4, लास्ट में डबल क्रोशेट 4। कलर चेंज, अब वर्क को टर्न करेंगे। तो जब टर्न करेंगे तो देखिए ब्लैक वूल हमारा इसी साइड से आएगा। वर्क को टर्न किया, सॉरी व्हाइट कलर का जो वूल है ये देखिए, तो ये सभी एक ही साइड से आएंगे जो जॉइनिंग है हमारी। वर्क को टर्न करेंगे, ब्लैक से बनाएंगे, सॉरी ब्लैक से ही बनाना है। चैन 2, अब हम यहाँ से जब चेंज करेंगे कलर को तो एक साइड से ही हमारा जॉइनिंग आएगा। ये चैन 2, वर्क को टर्न किया, चैन 1, डबल क्रोशेट 1, नेक्स्ट में 2, थ्री एंड 4। कलर चेंज, डबल क्रोशेट 1, 2, यहाँ पे हमें 1 डिक्रीज करना है, 1, 2, 3, 4, 1 डिक्रीज करेंगे, 2 डबल क्रोशेट, यहाँ पे डबल क्रोशेट 1 एंड 2। लूप से निकालेंगे, कलर चेंज करेंगे, थोड़ा सा यहीं भी ध्यान रखना है। ये देखिए कलर चेंज किया हमने, चैन 2, वर्क को टर्न किया, डबल क्रोशेट 1, अब यहाँ पे 1, 2, 3 डबल क्रोशेट है, डबल क्रोशेट 1, टू, एक साथ 3 डबल क्रोशेट 1 बनाया हमने, 2 चैन लेते हुए, एंड ये डबल क्रोशेट 2 है। पहले हमने 1, 2, 3 है, अब 2 है, 1 यहाँ पे डिक्रीज करेंगे, एक सॉरी कलर चेंज करेंगे। ये हमने कलर चेंज किया, नेक्स्ट व्हाइट कलर से ही बनाएंगे, 1, 2, 3 एंड 4। चैन 2, वर्क को टर्न किया, डबल क्रोशेट 1,
टू थ्री एंड फोर यहाँ से एक लीव, एक साथ सभी लूप निकालेंगे, वन टू थ्री फोर, यहाँ से कलर चेंज होगा। चैन टू डबल क्रोशेट वन, व्हाइट कलर लेते हुए चलेंगे साथ में, एंड फोर, ये देखिए इस साइड भी हमने सेम बना के कंप्लीट किया। तो हमने टोटल बनाई वन टू थ्री फोर फाइव, वन रो और बनाएंगे, चैन टू, वर्क को टर्न करेंगे, बहुत ईजी है, थोड़ा जॉइनिंग में ही ध्यान देना है। वन टू थ्री एंड फोर, फूल को कट करके नॉट लगा देंगे। ये देखिए सेम जैसे हमने इस साइड बनाया वैसे हमने हमारा इस साइड भी कंप्लीट हुआ बनकर। तो ये हमको टू पार्ट पे बनाने हैं। ये देखिए तो ये हमने टू पार्ट में बना के कंप्लीट किया। साइड व्हाइट है, ब्लैक व्हाइट ब्लैक, तो ये पूरा बनाने के बाद ये टू पार्ट में बनाया हमने। अब यहाँ से हमें जॉइंट करेंगे, पूरा यहाँ से लेकर जॉइंट करेंगे। तो ये देखिए यहाँ से एक तरफ ब्लैक है एक तरफ व्हाइट है, तो ऐसे हमें बनाना है। तो देख जब ये खुलेगा तो ऐसे आएगा, एक ब्लैक वाइट, एक ब्लैक ब्लॉक, एक एंड एक वाइट ब्लॉक ऐसे आएगा। तो यहाँ से हमें जॉइंट करना है, नॉट लगाएंगे, यहाँ से तो यहाँ से एक इस साइड से लेंगे, एक चैन इधर से लेंगे, ऐसे जॉइंट करते हुए ये देखिए ऐसे। ये देखिए ब्लैक वाइट, इधर से ब्लैक है इधर से वाइट है, तो ये दोनों ब्लॉक लेवल में लेते हुए हमको जॉइंट करने हैं। पूरा ऐसे ही जॉइंट करना है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक जॉइंट करेंगे ऐसे ही बनाते हुए लेवल में लेते हुए। ये देखिए ये जो ब्लॉक है इनको लेवल में लेते हुए हमको जॉइंट करना है, पूरा यहाँ से ये पूरा जॉइंट करते हुए इस पॉइंट तक आके कंप्लीट करेंगे।
ये देखो यहाँ से यहाँ तक हमने इसको टक किया, और ऐसे सिलाई करनी है कि आपका ये जो हमने बनाया है कि ये जो थ्रेड, ये जो वूल है, ये देखिए यहाँ से ये दिखे ना, तो थोड़ा सा हमें ये जो 1 1 डबल क्रोशेट है यहाँ से सिलाई करनी है, इसको दबाते हुए पर आना है। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट ज्वाइन आई है हमारी। तो कैसे करना है, कॉर्नर है, नोट लगाएंगे यहाँ, देखिए तो ये हमने ब्लॉक मिलाते हुए पूरा हमने यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट किया बनाते हुए कॉर्नर। तो देखिए इस साइड वाइट ब्लॉक है एंड इस साइड ब्लैक है, इसे करेंगे। ऐसे तो ये हमको इस पॉइंट को दबाना है, ये जो वूल दिख रहा है, तो हमको सिलाई थोड़ी यहाँ से करनी है, दूर से करते हुए जाना है, दबाना है यहाँ से 1 1 डबल क्रोशेट से। तो ये पूरा हमें कंप्लीट करना है ऐसे बनाते हुए। ये देखिए बना के कंप्लीट किया, वूल को कट कर देंगे, थोड़ी दूर से कट करेंगे, यहाँ से नॉट लगा देंगे। बिल्कुल परफेक्ट हमारा बैग बनकर रेडी हुआ है। एक सा बिल्कुल है, सभी वूल है, सबको बाद में इन कर देंगे बैक साइड से। तो ये पहले, अब हम यहाँ से ये स्टेप बनाएंगे, यहाँ से यहाँ तक की स्टेप बनाएंगे, चैन 10 लेंगे, नॉट लगाई हमने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10, चैन 10, 1 2 स्किप करके थर्ड में डबल क्रोशेट, 1 2 3 4, दूसरा कलर ज्वाइन करेंगे। ये देखिए नॉट लगाई हमने दूसरे कलर में, यहाँ से ज्वाइन करेंगे। डबल क्रोशेट 1 व्हाइट वूल है, इसको थोड़ा सा टाइट करेंगे, 1 साथ में लेते हुए बनाएंगे, डबल क्रोशेट 1 2 3 and 4। चैन 2, वर्क को टर्न किया, तुम्हारा फर्स्ट डबल क्रोशेट है, नेक्स्ट डबल क्रोशेट 1, साथ में ये वाइट वूल को साथ में लेते हुए बनाएंगे बैक साइड से, डबल क्रोशेट 1 2। तो ये हमारा फर्स्ट डबल क्रोशेट है 2 चैन, तो 1 2 3 डबल क्रोशेट एंड ये 4 डबल क्रोशेट, 4 दूसरा कलर ज्वाइन करेंगे, वाइट कलर से बनाएंगे, थोड़ा सा ब्लैक टाइट करेंगे वूल से, डबल क्रोशेट नेक्स्ट में 1 2 3 and 4, 4 डबल क्रोशेट,
चैन टू वर्क को टर्न किया, सॉरी ब्लैक कलर में, डबल क्रोशेट फोर, 1, 2, 3 एंड 4। दूसरा कलर ज्वाइन करेंगे, टू लूप है, ब्लैक कलर से बनाएंगे, चैन टू, चैन टू, वर्क को टर्न किया, वाइट वूल साथ में लेते हुए बनाएंगे बैक साइड से। तो ये हमारा फर्स्ट डबल क्रोशेट है। नेक्स्ट में डबल क्रोशेट 2, 3 एंड 4 वाइट कलर से बनाएंगे, डबल क्रोशेट 1, 2, 3 एंड 4 बनाया, चैन टू, वर्क को टर्न करेंगे, ब्लैक कलर साथ में लेते हुए आएंगे। नेक्स्ट में फर्स्ट डबल क्रोशेट है, नेक्स्ट में डबल क्रोशेट 2, तो हमारा चैन टू, फर्स्ट डबल क्रोशेट, नेक्स्ट में 2 डबल क्रोशेट 3 एंड 4 टू लूप से निकालेंगे, टू लूप है, दूसरा कलर ज्वाइन करेंगे, वाइट से ये ब्लैक से ही बनाएंगे। टू, थ्री, थ्री एंड फोर फिर वाइट से बनाएंगे। ऐसे हमें बनाते जाना है सेम। ये टोटल हमें 8 ब्लॉक बना के कंप्लीट करने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। ये देखिए, अब ये स्टेप को इस ब्लॉक से मिलाते हुए, इधर ब्लैक है, ये व्हाइट है, ऐसे मिलाते हुए ज्वाइन करेंगे यहाँ से। यहाँ से चैन मिलाते हुए ज्वाइन लेना है। ये देखिए, बिल्कुल परफेक्ट ज्वाइन हो गई हमारी स्टेप भी यहाँ से। अब इस साइड भी इसको ज्वाइन करेंगे, तो यहाँ से नॉट लगा देंगे पहले हम। ये देखिए, इस साइड भी ज्वाइन करना है हमें, तो यहाँ से हमने वूल को कट करके बैक साइड से कर दिया, यहाँ से ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ से हमको ऐसे ज्वाइन करना है, ये देखिए, इस साइड से भी हमने ज्वाइन किया, बिल्कुल परफेक्ट ज्वाइन हुआ। नॉट लगा के कट कर देंगे बुल को। तो हम यहाँ पे बटन लगाएंगे, यहाँ से ये चैन का लूप बनाएंगे, यहाँ से बटन लगा के इसको क्लोज करेंगे, ये बटन टक करेंगे यहाँ पे।
इसकी देखिए हमने 15 चैन बनाए। अब यहाँ से हमें ऐसे लेते हुए देखिए ऐसे यहाँ से ये इस साइड नॉट लगानी है। ये देखिए हमारा लूप बन गया, अच्छे से क्लोज कर देंगे टाइटली। ये देखिए बटन भी हमारी क्लोज हो जाएगी। ये देखिए फ्रेंड्स सबने अपने लूप भी बनाकर रेडी किया। अब ये हमारी बटन भी इजीली इन हो जाएगी इसमें। ये देखिए एंड ये स्टेप कैसे डबल करेंगे, बहुत ही ब्यूटीफुल बनकर बैग रेडी हुआ है। एंड आप इस शोल्डर बैग को पर्ल के साथ भी डेकोरेट कर सकते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल लुक आएगा। आप इसमें पर्ल स्टिक करें या सुई धागे से टप कर दें, बहुत ही स्टाइलिश लुक देगा। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करें एंड कमेंट करके ज़रूर बताएगा कि मेरा बना हुआ ये शोल्डर बैग आपको कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में और फिर ब्यूटीफुल डिज़ाइन के साथ।